माय नेम इज वरदान गर्ग एंड आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स सो भाई मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है पे आपको किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा एनीथिंग यू के सीबीएस बोर्ड स्टेट बोर्ड यू के एन टू के ओलम्पियाड्स यू के एनसीआर बुक क्या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसन सब्जेक्ट में सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पर मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पर हमारे वेबसाइट पर हमारे ऐप पे यहां मिल जाएगी एजुकेशन एन दट टू फ्री ऑफ कॉस्ट येस यू हर्ड टू फ्री ऑफ कॉस्ट दो चैप्टर से बात नहीं कर रहा हूँ भाई कंप्लीट कोर्स सेट की बात करूं कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट और यूनिट टू डू इसम एंड लर्न फ्रॉम दिस तो इस आज इस वीडियो में हम क्या देखने वाले है? तो यार आज इस वीडियो में हम सर्च करने वाले हैं ये ढूंढने वाले हैं इमेज की प्रॉपर्टीज तो आज समझेंगे कि किस तरीके से ओपन सी की मदद से हम इमेज की प्रॉपर्टीज एक्सेस कर सकते हैं अब ना वट डू वी मीन बाई इमेज की प्रॉपर्टीज तो यार इमेज की प्रॉपर्टीज में बहुत सी चीजें आ जाती है बट कुछ कॉमन कॉमन चीजें हम इस वाले पार्ट में देखना चाहेंगे कि कॉमन कॉमन चीजें क्या होती है वो कॉमन कॉमन चीजें क्या वो भी आपको बताएंगे ठीक है तो इमेज से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज है वो हम आज इस वीडियो में सर्च करना सीखेंगे ठीक है तो उसके लिए वेट करेगा कि उसमें अपन अभी आगे, आगे देखने वाले डिटेल में बट इससे पहले मुझे क्या चाहिए यार आप इससे पहले बेसिक देख के आओ कि किस तरीके से हम इमेज रीड कर सकते हैं डिस्प्ले कर सकते हैं विंडो कैसे शो कर सकते हैं वो सब चार, सारी कहानी बता रखी है तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी वो देख के आओ ऑल दो मतलब शोइंग का इसमें कोई बहुत ज्यादा काम नहीं है मतलब आई एम शो फंक्शन हम यूज नहीं कर रहे होंगे बट आई एम रीड का यूज करेंगे तो आई एम रीड तो जरूर देख के आओ वीडियो और वो वीडियो मिल नहीं रही है तो भाई नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दे रखा है मैंने जो कि क्या है कंप्लीट हैलिस्ट का ऑफ

अच्छा इसमें बेसिकली क्या है फिलहाल कंप्यूटर विजन चैप्टर सर्च कर लेना ओपन सीवी वाले टॉपिक्स में जाना सारे टॉपिक्स आपको लाइन से अरेज मिल जाएंगे मिल जाएंगे अब देखो एक कहानी है कहानी क्या है देखो यार कि इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट को सेव तो कर ही लीजिए बिकॉज दिस इज लाइफ सेवर क्योंकि उसमें सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा दिस इज द लास्ट चैप्टर वी आर डूइंग जो जो भी कि प्रैक्टिकल है बाकी थियरटिकल तो पूरा अवेलेबल है ही पहले से इसके अंदर तो उसको यूटिलाइज करिए सीखने के लिए ठीक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट ये जो पर्टिकुलर प्लेलिस्ट है ये आपकी नॉलेज तो इंक्रीज करेगी मतलब थियरटिकल और प्रैक्टिकल

वो फेच करने के लिए आपको करना है क्या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है आपको एक एक लिंक मिलेगी जिसका टाइटल है ऑल सब्जेक्ट्स प्लेलिस्ट करके तो ऑल सब्जेक्ट्स प्लेलिस्ट करके आपको एक टाइटल मिलेगा जस्ट नीचे उसके लिंक मिलेगी क्लिक ऑन दैट लिंक और आप बेसिकली एक प्लेटफॉर्म पर लैंड कर जाओगे जो कि बेसिकली शीट्स है जहाँ पे क्लास वाइज एग्जाम वाइज प्रॉपरली आपकी सारी प्ले लिस्ट सर्फ फॉर योर प्ले लिस्ट एवर प्ले यू वॉन्ट ठीक है जस्ट प्ले का नाम मिलेगा नाम के सामने लिंक मिलेगी क्लिक ऑन दैट लिंक एंड पूरी प्ले लिस्ट आप लोग के ओपन होकर आ जाएगी अब इस तरीके से आप किसी भी प्ले को कभी भी फेच कर सकते हो एंड आई होप दैट इज कम्प्लीट क्लियर अब ये तो हो गया प्लेलिस्ट फेच करने का तरीका किसी भी प्ले लिस्ट को ढूंढने का तरीका इसके अलावा आई नो यार अभी भी आप लोग बुक से रिलेटेड परेशान हो ना एक बुक नहीं मिल रही जो बिल्कुल परफेक्ट हो जो एरर फ्री हो जिसमें कंटेंट सारा लिखा हुआ हो ए टू जेड ठीक है उसमें इवन क्वेश्चन भी हो कटेगराइज हो प्रॉपर्ली प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाए टॉपर्स के आंसर शीट भी मिल जाए प्रैक्टिस पेपर भी, भी मिल जाए अगर हाँ तो यार वो तलाश होती है आपकी खत्म क्योंकि मैग्नेट ब्रेन ने फाइनली लॉन्च कर दिया है बुक्स एंड ई बुक्स जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गो एंड चेक देट आउट ठीक है एंड फटाफट अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे एक्सेस इमेज प्रॉपर्टीज अब किस टाइप की प्रॉपर्टीज देखो यार हमें क्या पता है कि एक पर्टिकुलर जो भी इमेज है हो सकता है वो कलर्ड हो या ग्रेस कलर सबसे पहले तो यही चीज हो गई बट कोई भी एक इमेज होगी उसकी कुछ विर्थ होगी कुछ हाइट होगी अब विर्थ समझिएगा क्या होता है बेसिकली ये होता है विर्थ ये क्या होता है ये होता है विर्थ और ये होता है हाइट एच ई आई जी एच टी हाइट अब ये इमेज ग्रे स्केल है या ये इमेज कलर्ड है कलर्ड में भी किस टाइप का स्कीमा है ठीक है मतलब कलर स्पेस का यूज कर रहे हैं आर कर रहे हैं या फिर और कोई कलर स्पेस यूज कर रहे हैं ठीक है थीके? या फिर आप एल्फा वाला, वाला पार्टिकल यूज कर रहे हो उसमें फर्क पड़ता है उससे बट बेसिक विर्थ और हाइट तो सब में रहती है अब मैं सपोज कर लेता हूं कि यार मुझे किसी भी इमेज की ये विर्थ और हाइट फेच करनी है कि एक इमेज में क्या वर्थ है क्या हाइट है बिना फाइल खोले तो क्या वो चीज मैं सर्च कर सकता हूं Yes, मैं वो चीज सर्च कर सकता हूं सपोज मैं मान लू कि यार ये पर्टिकुलर इमेज जो है आरजीबी फॉर्मेट में मतलब इसमें तीन चैनल्स है तो मुझे सर्च करना है कि यार इसमें कितने चैनल्स है बेसिकली कितने क्या ये से में कर सकता हूँ मुझे सर्च करना इस पर्टिकुलर इमेज में कितने क्या मैं इसमें यह सर्च कर सकता हूँ कि इसके अंदर जो इंडिविजुअल पिक्सल है उसकी वैल्यू जीरो से लेकर टू तक है कि नहीं है या कुछ और वैल्यूज हम लेके आ रहे हैं मतलब डेटा टाइप सर्च कर सकता हूँ क्या मैं यूजली यू इंट एट होता है यू

बहुत सिंपल सी कहानी क्या है कि जब भी मैं एक इमेज को आई एम रीड फंक्शन से रीड करता हूं टू डॉट आई एम रीड जैसी मैं करता हूं आई एम रीड से पाथ डाला मैंने और फ्लैग डाला फ्लैग से मैंने पर्टिकुलर किसी फॉर्मेट में इमेज को ओपन कर लिया अब ये मुझे क्या रिटर्न करके देता है ये मुझे रिटर्न करके देता है आई एम जी है ना बेसिकली आई एम जी क्या है ये आई एम जी मैट्रिक्स है डिपेंड करता है किस टाइप का बेसिकली डिपेंड करता है कि आपने कलर्ड लिया है कि ग्रे स्केल लिया है उस बात पे डिपेंड करता है कहानी बट यूजुअली ये मैट्रिक्स है जिसमें हर पिक्सेल वैल्यू स्टोर्ड है तो बेसिकली ये क्या है ये आपका एनडी एरे है ये क्या है ये एनडी एरे है तो बेसिकली इस एनडी एरे में इसके एट्रीब्यूट्स यूज करो क्या यूज करो एनडीआर मतलब शेप निकाल सकता, हूं। का शेप निकाल सकता हूं। शेप निकाला है, तो मुझे हाइट कितनी है मैं इसका डी टाइप निकाल सकता हूँ किस पर्टिकुलर डेटा टाइप में इसकी वैल्यू स्टोर है मैं इसके एंड करके डायमेंशन निकाल सकता हूँ बहुत काम कर सकता हूं अब वो सब कैसे कर सकता हूं वो सब आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा और क्योंकि हमें आगे इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम आता है मतलब ये चीजें पूछी भी जाती हैं ठीक है आपसे ये इस पर क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं और इवन ये हमें आगे भी कंसेप्ट समझने में हेल्प आएगा तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है चीजें विच इज वट विच इज वर्ट विच इज इमेज प्रॉपर्टीज तो फटाफट चलिए मैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा किस तरीके से आप इमेज प्रॉपर्टीज वेच कर सकते ठीक है चलो ओके गाइस सो अब आगे हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर क्या देखने वाले है? देखने वाले हैं कि भाई किस तरीके से हम एक पर्टिकुलर इमेज की प्रॉपर्टीज एक्सेस कर सकते हैं तो प्रॉपर्टीज एक्सेस करने का काम या किस तरीके से हम प्रॉपर्टीज एक्सेस कर सकते हैं वो सब आज हम इस वीडियो में देखने वाले तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं तो यहाँ मैंने आप लोग के लिए फिलहाल तीन इमेजेस रख रखी हैं ऑफ डिफरेंट साइज ये है हाई इमेज ये है मिड इमेज ये है स्मॉल इमेज मतलब इसका साइज बहुत बड़ा है अगर आप यहाँ पे देखो सो यूल सी दिस इज सिक्स थाउजेंड क्रॉस थ्री थ्री सेवन फाइव मिड वाली क्या है वन नाइन टू जीरो क्रॉस टेन एट्टी एंड देन नेक्स्ट वन इज योर बेसिकली सिक्स फोर्टी क्रॉस थ्री सिक्सटी अच्छा इसके ऊपर हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं इमेजेस देख चुके हैं पहले इस बार इसकी प्रॉपर्टी स्वेच करेंगे तो यहां पर बनाऊंगा एक नया फोल्डर जिसको हम नाम दे देंगे एक्सेस ए डबल सी ई एस एस एक्सेस एम एच प्रॉपर्टीज इससे पहले हमने वो तो डाला ही नहीं यार ओपन सी वी ओपन सी वी डैश एक्सेस इमेज प्रॉपर्टीज है ना तो हम इमेज प्रॉपर्टीज एक्सेस कर रहे हैं ओपन सीवी की मदद से मैं इस पर्टिकुलर फोल्डर को इसके अंदर ड्रैग करके ड्रॉप कर दूंगा ताकि इसके अंदर चला जाए ये फोल्डर बेसिकली तो इमेजेस वाला फोल्डर मेरा इसके अंदर आ गया है। अब इस फोल्डर के अंदर मैं राइट क्लिक करके ओपन विद कोड कर दूंगा वी एस कोड मैंने बेसिकली इस फोल्डर के अंदर ओपन कर लिया गेट स्टार्टेड बंद कर लेंगे और यहीं से हम इमेज को बेसिकली लोड कर रहे होंगे अब सबसे पहले तो यहाँ पे एक नई फाइल बना लेंगे विच वुड बी पाइथॉन अंडर स्कोर फाइल डॉट पी वाई है ना पाइथॉन फाइल डॉट पी वाई बनाई इसको हाइड कर देंगे और यहीं पर हम सीखने वाले फिलहाल क्या आपका एक्सेस इमेज प्रॉपर्टीज किस तरीके से करते हैं प्रॉपर्टीज़ एक्सेस इमेज की वो हम सीखने वाले हैं तो यहाँ पे फिलहाल मैं क्या करूंगा फिलहाल मैं इम्पोर्ट करूंगा सी वी टू बेसिकली तो सी वी टू को मैं इम्पोर्ट करने वाला हूँ फिलहाल ठीक है तो मैंने कंप्यूटर विजन को इंपोर्ट कर लिया है फॉर नाउ ठीक है और हम आगे क्या देखने है वाले हैं अब इसमें हम बेसिकली सबसे पहले तो रीड कर लेते हैं इमेज को रीड कर लेते हैं ठीक है और इमेज को रीड करने के बाद हम उसमें प्रॉपर्टीज अलग अलग लगाएंगे ठीक है चलो तो सबसे पहले तो इमेज रीड कर लें तो मैं क्या करूंगा यार यहां पे इमेज रीड करने के लिए आई एम जी वेरिएबल बनाऊंगा जिसमें पॉइंट करा रहा बेसिकली उस चीज को और मैं यहाँ पे लगाऊंगा सी टू डॉट आई एम रीड ठीक है आई एम रीड और यहाँ पे ओपन करके अब फिलहाल यहाँ पे किस उसको मैं ओपन करने वाला इमेज फोल्डर <coughs> तो में चलेंगे और इसमें भी फिलहाल मैं स्मॉल को कॉपी कर लेता हूँ स्मॉल इमेज है ना तो इस वाले स्मॉल को कॉपी कर लूंगा तो इसकी मैं क्या करूंगा रिलेटिव पात कॉपी कर लूंगा और यहाँ मैं पेस्ट कर दूंगा बेसिकली ठीक है सो दैट्स इट ये हमारी इमेज ओपन हो चुकी है ठीक है अब बेसिकली मुझे इसको इमेज को देखने में, में कोई शौक नहीं है तो आई एम शो में नहीं करूंगा फिलहाल बट हाँ मैं आई एम जी जरूर शो करूंगा कि यार आई एम जी में बेसिकली क्या है तो आई एम जी मेरा क्या है बेसिकली आपका एक एन डायमेंशनल एरे बनता है तो अगर मैं इसको रन करूं वट यू विल गेट इज ओके कुछ प्रॉब्लम हो गई शायद वट इज द प्रॉब्लम ओके फिर से एक बार रन करते हैं ओके okay, कोई प्रॉब्लम थी शायद बट अब सही होगी तो बेसिकली मेरे पास क्या आ गया ये बेसिकली मेरे पास एन डायमेंशनल एरे आ चुका है ठीक है तो मेरे पास ये एन डायमेंशनल एरे आ चुका है और ये मेरे पास इमेज ओपन हो चुकी है इसी आई को मैं जब शो करूंगा तो मेरी विजिबल हो जाएगी बट फिलहाल मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ मैं फिलहाल किस में इंटरेस्टेड हूँ मैं इसकी प्रॉपर्टीज में इंटरेस्टेड हूँ कि प्रॉपर्टीज में कैसे फैच कर सकता हूँ तो प्रॉपर्टीज हम फिलहाल देखने वाले हैं ठीक है थीके? तो अब सबसे पहले जो हम प्रॉपर्टी देखेंगे दैट इज वट दैट इज टाइप बेसिकली मैं इस इमेज की टाइप चेक करूँ अगर तो प्रिंट करूं अगर मैं टी वाई पी ए, टाइप ऑफ आई एम जी तो बेसिकली मुझे इमेज की टाइप मिल जाएगी दैट वुड बी वैमेशनल सॉरी इसको बंद करते हैं लेट मी डू दैट ठीक है ठीक है वी डोंट नीड दैट फॉर नाउ चलो सो वापस से रन करूंगा मैं इसको

सो देर आर मेनी प्रॉपर्टीज है ना जिसमें से एक होती सबसे इंपॉर्टेंट होती है विच इज शेप अब मुझे ये जाननी है कि अरे जो पर्टिकुलर मैंने इमेज को लोड किया है है ना ये जो स्मॉल इमेज मैंने लोड करी है ये बेसिकली कितनी छोटी है इसके डायमेंशंस क्या है विर्थ और हाइट क्या है डायमेंशन क्या है सो दैट इज वॉट आई कैन चेक तो मैं बेसिकली क्या डालूंगा यहाँ पे प्रिंट डालूंगा बेसिकली और मुझे बस करना क्या है जो मेरे पास इमेज ओपन है ना मतलब बेसिकली जो आ, जो pointer जो मेरे पास पॉइंटर है उस मैट्रिक्स को पॉइंट कर रहा है मतलब वेरिएबल जो आइडेंटिफायर जो है उसके मुझे बस शेप रन करना है मुझे क्योंकि है ना एनडीआरए के जो एट्रीब्यूट है वो मैं यहाँ पे रन कर सकता हूँ तो मैं आई एम जी डॉट शेप डालूंगा ना दैट सेट शेप अच्छा इसमें मुझे वो नहीं लगाने पैरेंथिस नहीं लगाने ठीक है

लेट्स डाइव फॉर द इमेजेस है ना तो इमेजेस में देखो यहां पे स्मॉल है इसके मैं ऑल्ड प्लस एंटर करके प्रॉपर्टीज ओपन कर लूंगा और इसको मिनिमाइज कर दूंगा मुझे इसकी जरूरत नहीं है अब देखना प्रॉपर्टी से थोड़ा सा मैं इसको कोरिलेट करूंगा डिटेल्स में चलेंगे और देखो यहां पे आप चीज देख पाओगे विच इज देखो इसकी हाइट क्या है इसकी हाइट है 360 इसकी विर्थ क्या है इसकी विर्थ है 640

समझ में आया सो दैट इज द सिचुएशन तो शेप का समझ में आया स्मॉल में शेप का क्या मतलब हो यहां पे ठीक है अब यही शेप आपको मैं बेसिकली दिखा देता हूं अलग अलग परस्पेक्टिव से तो बेसिकली मैं क्या करूंगा यार हर बार लोड कर दूंगा इमेज को ठीक है ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहा है आगे जाके चीजों में कंफ्यूजन ना रहा है ताकि आप सेपरेट करके इसको हम देख सकें तो देखो यहां पे मैंने इमेज प्रिंट कर दिया टाइप प्रिंट कर दिया अब मैं नेक्स्ट में क्या कर रहा करूंगा बेसिकली शेप प्रिंट कर दिया मैंने स्मॉल इमेज का अब इसी में आपको मैं क्या करूंगा यही चीज में मैं आपको बिग इमेज की भी प्रॉपर्टीज दिखा दूंगा सो आई एम जी इज इक्वल्स टू सी वी टू डॉट आई एम रीड बेसिकली है ना आई एम रीड और इसमें हम क्या कर लेंगे तो यही पर्टिकुलर फोल्डर को कॉपी कर लेते हैं काम करते हैं ना कॉपी पूरा ही नहीं किया चलो कोई नहीं और यहाँ पर मैं डाल दूँगा बेसिकली मिड आपका और ये हम प्रिंट कर लेंगे क्या हम हम प्रिंट कर लेंगे आई एम जी डॉट शेप ठीक है आई एम जी डॉट शेप बेसिकली प्रिंट कर लेंगे सो अब मिड प्रॉपर्टीज पे चल रहे हैं, मतलब ये हटा देते हैं दिस इज नॉट वी वांट नाउ हमको चाहिए मिड एंटर करेंगे सो so, हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा दिस इज वॉट दिस इज 920 ट्वेंटी क्रॉस वन टेन तो सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा टेन देखने को मिलेगा हाई टेन एट्टी कामा कॉमा थ्री क्योंकि अभी हम अभी भी आर फॉर्मेट में ही ओपन कर रहे हैं तीनों चांस कलर एमेज ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे तो आप देखो तो टेन एटी क्रॉस कॉमा नाइन ट्वेंटी कॉमन थ्री अब ये है क्या बेसिकली ये टपल है ये क्या है ये टपल है ठीक है तो इसका टाइप अगर आप चेक करोगे सो गेट गेट द टपल ठीक है जैसे मैं प्रिंट करता हूँ बेसिकली प्रिंट करता हूं टाइप ऑफ द फॉलोइंग थिंग विच इज दिस वन सो इसका क्या आने वाला है बेसिकली टाइप दिस इज ए टपल ठीक है चलो आई होप यू गॉट द पॉइंट इसी में हाई इमेज अगर मैं करूं तो मैं यही कॉपी कर लेता हूं इसी में मैं हाई दिखाऊंगा आपको सो so मैं सपोज क्या करता हूँ है ना हाई डाल देता हूँ हाई है ना शायद मेरी से लेट मी जस्ट सी द नेम ओके हाई है ठीक है तो इसका शेप जरा चेक करते हैं वॉट इज द शेप सो इट्स शेप इज थ्री थ्री सेवन फाइव क्रॉस सिक्स थाउजेंड क्रॉस थ्री 3375 height three so like this, मतलब थ्री थ्री सेवन फाइव हाइट है सिक्स थाउजेंड विथ है एंड थ्री चैनल्स हैं सो लाइक दिस आई कैन सर्च फॉर द बेसिकली वट द प्रॉपर्टीज मतलब द शेप की बेसिकली शेप क्या है ठीक है चलो सो दिस इज क्लियर आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर इसमें कोई दिक्कत नहीं अच्छा इसी में अब मैं क्या करता हूँ आपको जो है अलग अलग उसमें ओपन करके दिखाता हूँ विच इज सपोज मैं इसी में है ना स्मॉल स्मॉल में ही सर्च करता हूँ स्मॉल में ही मैं आपको ये ओपन करके दिखाता हूँ अलग अलग प्रॉपर्टीज के साथ वो सपोज में सी वी टू डॉट आई एम रीड है ना आई एम रीड में चलते हैं तो आई एम रीड में बेसिकली ग्रे स्केल ओपन करते हैं ठीक है सो आई एम रीड ग्रे स्केल विच इज एक्चुअली द जीरो वैल्यू है ना अच्छा अगर आपको इनकी वैल्यूज चेक करनी ना कि बेसिकली वैल्यूज़ के हैं तो वैल्यूज भी डायरेक्टली चेक कर सकते हो तो मिस लेनी है समझ लेना इसको ठीक है कैसे चेक कर सकते हो तो वो बहुत सिंपल कहानी है जैसे मुझे चेक करना है कि सी वी आई एम रीड सी वी टू डॉट आई एम रीड अंडरस्कोर ग्रे स्केल स्के कलर क्या होता है तो मुझे बस कुछ नहीं करना मुझे प्रिंट करना है क्या मुझे करना है सी वी टू डॉट आई एम रीड ग्रे स्केल दैट्स इट है ना नीचे से कुछ नहीं है ठीक है और इसमें बस मैं इसको ये जैसे प्रिंट करूंगा सो आई गेट द नंबर सो ये देखो रिप्रेजेंट कर रहा है जीरो को सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग वर्ड दिस इज रिप्रेजेंटिंग जीरो इसी तरीके से मैं प्रिंट कर सकता हूँ बेसिकली क्या सी वी टू डॉट आई एम रीड है ना कलर अंडरस्कोर कलर सो दिस इज बेसिकली वर्ड दिस इज द बाई डिफॉल्ट वैल्यू वन इसकी वैल्यू क्या है वन है है ना ऐसे अनचेंज देखा था हमने तो अनचेंज तो अभी कभी भूल जाओ तो ऐसे परेशान होने की जरूरत नहीं है आप इस तरीके से सर्च कर सकते हो बेसिकली दैट इज वट आई एम ट्राइंग टू से प्रिंट में मैं सपोज सी वी टू डॉट आई एम रीड है ना आई एम रीड करूंगा तो मुझे सब मिल जाएगा इसमें मैं नीचे आऊंगा तो मुझे अनचेंज भी मिल गया देखो तो अनचेंज की वैल्यू क्या होती, होती है माइनस वन होती है सो दिस वुड लीड टू माइनस वन है ना तो इसकी वैल्यू क्या है माइनस वन तो इस तरीके से आप हमेशा निकाल सकते हो कि क्या वैल्यू है बेसिकली

और विथ विच इज सिक्स फोर्टी मिला है बट इसका थर्ड चैनल नहीं मिला मुझे मतलब तो थर्ड पार्ट नहीं मिला है। जो थर्ड पार्ट रिटर्न हो रहा था दैट इज नॉट देयर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये चीज़ तो ये चीज रिप्रेजेंट कर रहा है दैट द थर्ड थिंग व्हिच इज बेसिकली बेसिकली द द चैनल्स वो मिसिंग है और वो बाय डिफॉल्ट वन है अगर मिसिंग है मतलब वो वन है क्योंकि वो डिस्प्ले ही नहीं हो रहा था इस वजह से वो चीज आपको दिख नहीं रही सो बेसिकली बाय डिफॉल्ट क्या हो गया वो चीज़ वो चीज़ वन हो गई तो अगर सपोज आप कभी भी मिसिंग पाओ तो समझ जाना कि वो ग्रे स्केल लिए ठीक है तो इस तरीके से ग्रे स्केल आप हर उसमें चेक कर सकते हो तो हर किसी में आपको क्या मिल जाएगा जब भी आप ग्रे स्केल में ओपन करोगे तो वो थर्ड पार्ट जो है जो थर्ड पार्ट है वो नहीं मिलेगा आपको अच्छा वही चीज़ मैं आपको यही कहानी इसमें भी, भी दिखाता हूं तो इसको बेसिकली सेपरेट आउट कर दो ना क्योंकि हमने वो तो इमेजेस को देखा था अभी नेक्स्ट चीज़ देख रहे हैं हम ठीक है अब इसमें जब मैं पेस्ट करूंगा सो व्हाट आई विल गेट इज बेसिकली अगर मैं इसमें ग्रे स्केल की जगह अनचेंज डाल दूं ठीक है अब अनचेंज डालने के बजाय मैं माइनस वन डाल देता हूँ माइनस वन में ओपन करूंगा माइनस वन में ओपन करूंगा तो इसमें अगर अल्फा पार्ट होगा तो तो दिखेगा नहीं तो नहीं दिखेगा तो नहीं तो फिर बेसिकली क्या होगा वही सिक्स थ्री सिक्सटी क्रॉस सिक्स फोर्टी क्रॉस थ्री आया है क्यों थ्री आया क्योंकि इसमें अल्फा वाला पार्ट जो है एग्जिट ही नहीं करता अगर किसी में इमेज में अल्फा पार्टिकल एग्जिस्ट करता मतलब अल्फा वाला पार्ट जो है कॉम्पोनेंट है वो एग्जिस्ट करता होगा तो वो चीज यहाँ पर डिस्प्ले होगी नहीं तो नहीं होगी सिंपल सी बात ठीक है चलो सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर इसमें कोई दिक्कत नहीं ये चीज समझ में आ गई आपको है ना सो दिस इज क्लियर राइट चलो तो शेप आई होप समझ में आ चुकी है शेप में क्या कहानी है ठीक है तो अभी फिलहाल हमने क्या देखा फिलहाल हमने शेप देखा ठीक है तो इसमें हमने क्या देखा यार हमने इसमें देखा शेप बेसिकली ठीक है अब नेक्स्ट इसके बाद क्या आता है इसके नेक्स्ट उसको मैं ज्यादा सेपरेट नहीं करूंगा है ना चलो अब इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है यार नेक्स्ट इसके बाद आता है साइज एक और एग्जिस्ट करता है साइज अब साइज क्या करता है देखो तो साइज बहुत सिंपल से काम करता है तो बेसिकली हर पिक्सल को मल्टीप्लाई करने का काम करता है विच इज जस्ट सी तो मैं क्या करूंगा IMG वेरिएबल बनाऊंगा जिसमें मैं सी वी टू डॉट रीड करूंगा है ना और वही रीड कर लूंगा मैं फाइल को और वही स्मॉल को ही रीड कर लेते हैं अभी फिलहाल तो है ना फिलहाल स्मॉल को रीड कर लेते हैं डिफॉल्ट वैल्यू विच इज जो उसके कलर इमेज है उसी में ओपन कर लेंगे इसको और बस मैं यहाँ पे करूंगा क्या मैं आई डॉट अभी फिलहाल ऊपर शेप प्रिंट करूंगा सबसे पहले तो है ना सबसे पहले तो शेप प्रिंट करूंगा प्रिंट कमांड डालना भूल गया था मैं चलो अब इसके बाद जस्ट इसके बाद मैं क्या करूँगा आपको प्रिंट करूँगा आई एम जी डॉट साइज़ पहले शेप क्या था अब साइज प्रिंट कर रहे हैं तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन शेप एंड साइज ये समझ के रखिएगा बिकॉज ये क्वेश्चन भी आता है और अच्छा है कि ध्यान भी रहे तो बेसिकली जब मैंने शेप रन किया तो शेप में मुझे सिक्स थ्री सिक्सटी सिक्स फोर्टी एंड थ्री आ रहा था जब मैंने साइज रन किया उस आई गॉट दिस ना वट डू दिस मीन दिस एक्चुअली मीन्स कि आपके पास टोटल पिक्सल्स कितने हैं मतलब आफ्टर मल्टीप्लाइंग दीज वाले उससे चलो मैं कैलकुलेटर ओपन करके वो भी आपको दिखाता हूँ है ना कि आपको कन्फर्म हो जाए तो बेसिकली मैंने कैलकुलेटर ओपन कर लिया है है ना बड़े में नहीं छोटे में कर लेते हैं दिख रही होगी चीज़ है ना तो अगर मैं इस कैलकुलेटर में बेसिकली थ्री सिक्सटी क्रॉस थ्री सिक्सटी क्रॉस सिक्स फोर्टी करूँ सो वट आई गॉट इज बेसिकली टू थ्री जीरो फोर हंड्रेड और इसी में मैंने फिर से मल्टीप्लाई कर दिया थ्री से सो वट आई गॉट इज सिक्स नाइन वन टू डबल जीरो ऊपर से दिख नहीं रहा होगा आपको बिकॉज ऑफ द साइज बेसिकली तो मैं अगर थोड़ा अच्छा इसको एक्सपैंड ही कर मैक्सिम कर लेता हूँ है ना अब चीज दिख रही है आपको प्रॉब्लम नहीं है तो बेसिकली ओके okay, फिर से दिखा दूँ क्या मैं आपको बेसिकली uh, चलो लेटेस्ट ली है ना मैं आपको पूरा ही फ्रेश दिखा दू विच इज हम क्या कर रहे थे यार देख लेते हैं एक बार कि क्या कर रहे थे हम 360 सिक्सटी क्रॉस सिक्स कर रहे थे सो थ्री सिक्सटी क्रॉस सिक्स है ना ये आया आपका टू थ्री जीरो फोर डबल जीरो क्रॉस थ्री बेसिकली यू गॉट सिक्स नाइन वन टू डबल जीरो क्या यही चीज नहीं है सिक्स नाइन वन टू डबल जीरो बेसिकली वही चीज आ गई है, है ना सिक्स नाइन वन टू डबल जीरो तो बेसिकली साइज क्या करता है साइज आपको टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स स्वेच करने का काम करता है कि पर्टिकुलर इमेज में टोटल पिक्सल्स कितने हैं तो ये आपको टोटल पिक्सल्स बता देगा कि कितने पिक्सल्स एग्जिस्ट करते हैं इंटरेस्टिंग राइट वेरी मच इंटरेस्टिंग एजेंट इट तो बेसिकली यही आप आई एम जी शो हमेशा रन कर सकते हो फॉर दैट पर्पज और मैं आपको ये काम क्या करूंगा मैं ऊपर वाले सब में ही करके दिखाऊंगा बिच इज बेसिकली पहले तो सारे ही बड़े साइज में और फिर इस वाले में ही ग्रे स्केल में दिखाऊंगा तो इन सब आपको कर लेता तो हूँ मैं कॉपी और यहां कर दूंगा मैं इसको पेस्ट और एक एक करके हम कमेंट अनकमेंट करते चलेंगे और फिर देखते चलेंगे तो बेसिकली इसकी अभी फिलहाल हमें जरूरत नहीं है मैंने शायद ओके रुक जाओ एक सेकेंड मैंने क्या गड़बड़ करी रुक जाओ शेप से कॉपी करना अपने को सो शेप से मैं यहां तक कॉपी कर लूंगा और यहां मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसमें दिक्कत क्या है सो दैट फाइन अच्छा ये मैं रन कर चुका हूँ पहले स्मॉल इमेज का मैं रन कर ही चुका हूँ स्मॉल इमेज का तो इसको हटा देते हैं यू डोंट नीड दिस मिड हमें रन करना है तो मिड चेक करते हैं अच्छा मिड में मैंने टाइप रन कर रखा है बी बट हमको इस टाइप की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें शेप का चलो ठीक है शेप का हम सही so साइज़ का देखेंगे फिलहाल सही टाइप क्या है ठीक है तो यहाँ पे मैं बेसिकली साइ मतलब साइज भी रन कर दिया मैंने है ना शेप की जरूरत पड़ेगी मल्टीप्लाई करेंगे किसको <laughs> तो चेक करना ना, कर है ना मल्टीप्लाई किसको को कर रहे हैं तो शेप रन किया मैंने देखो मिड इमेज को ओपन किया मिड इमेज को ओपन करके आईएमजी में स्टोर किया आईएमजी का शेप फेच किया फिर साइज़ फेच किया और फिर इसी साइज़ का मैं टाइप फेच करता हूँ तो रेंड करता बेसिकली नहीं एक्चुअली सो टाइप ऑफ आई एम जी डॉट साइज बेसिकली ठीक है सो आई एम जी डॉट साइज बेसिकली सर्च कर रहा हूं वट वुड बी द आंसर सो इफ यूल ऑब्जर्व इट यूल गेट वट सिक्स टू टू जीरो एट डबल जीरोस्ट मल्टीप्लाई बैक अगेन ठीक है तो क्या क्या है जरा देखते हैं इसमें क्या क्या है सो टेन एटी क्रॉस नाइनटीन टवेंटी क्रॉस थ्री है ना टेन एटी क्रॉस नाइनटीन ट्वेंटी क्रॉस अब मल्टी मतलब साइमल्टेनियसली कर लूँ साथ में ही कर लू क्रॉस थ्री ठीक है अब इसका देखिएगा आंसर क्या है टेन एटी क्रॉस नाइनटीन ट्वेंटी क्रॉस थ्री का आंसर है सिक्स टू टू जीरो एट डबल जीरो सिक्स टू टू जीरो एट डबल जीरो सिक्स टू टू जीरो एट डबल जीरो इज योर आंसर टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स कितने एग्जिस्ट करते हैं दैट यू गॉट अब यही काम अच्छा इसका साइज हमने चेक नहीं किया साइज भी सॉरी एक बार वो टाइप चेक नहीं किया तो टाइप अगर आप देखो तो टाइप इज एंट

थ्री थ्री सेवन फाइव क्रॉस थाउजेंड क्रॉस थ्री नहीं मैंने गलत रीड किया सिक्स जीरो सेवन फाइव जीरो सिक्स जीरो सेवन फाइव जीरो एंड देन ट्रिपल जीरो एंड देन ट्रिपल जीरो सो दिस इज वॉट यू गॉट एंड आर टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स राइट चलो बढ़िया अच्छा यही चीज़ मैं क्या कर सकता हूँ यही चीज़ मैं इवन आपके ब्लैक एंड वाइट में भी ग्रे स्केल में भी सर्च कर सकता हूँ साइज़ को ही तो साइज़ में सर्च करूंगा यहाँ पे वट आई गेट इज बेसिकली सो वट आई विल गेट इज बेसिकली थ्री सिक्सटी क्रॉस सिक्स फोर्टी कैलकुलेटर बंद कर दे मैंने एक ओपन कर लेंगे ठीक है सो ये क्या है थ्री सिक्सटी क्रॉस सिक्स फिफ्टी की सिक्स फोर्टी सिक्स फोर्टी थ्री सिक्सटी क्रॉस सिक्स फोर्टी करॉस सिक्स फोर्टी सो टू थ्री जीरो फोर डबल जीरो टू थ्री जीरो फोर डबल जीरो तो यहाँ पे पिक्सल्स कम हो गए ग्रे स्केल में पिक्सल्स कम हो जाते हैं क्योंकि चैनल रिड्यूस हो जाते हैं है ना सो दैट इज द थिंग यही शे साइज में बेसिकली माइनस वन के साथ भी रन करूंगा सो आई गेट द सेम रिजल्ट बेसिकली क्योंकि थ्री ही है यहाँ पे वो एक और चैनल नहीं आ रहा था इसमें से पिक्सल्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं तो यहाँ पे ठीक है तो यहाँ पे थ्री सिक्सटी क्रॉस सिक्स फोर्टी तो यहाँ पे मैं थ्री सिक्सटी क्रॉस सिक्स फोर्टी क्रॉस थी करूंगा वॉट आई गेट इज़ नाइन सिक्स नाइन वन टू डबल जीरो सिक्स नाइन वन टू डबल जीरो

ठीक है सपोर्ट नो वी डोंट नीड दैट फॉर नो चल सो मैं प्रिंट करूंगा यहां पे क्या प्रिंट करूंगा मैं आई एम जी डॉट मिन बेसिकली डॉट मिन बेसिकली अब ये मिन क्या करता है सो डॉट मिन बेसिकली ठीक है सो ये मिन क्या करता है देखो सो मिन विल गिव मी ओके बिल्ट इन मेथड मिन ऑफ नंपाई डॉट इंडिया ऑब्जेक्ट एट दिस ओके आई थिंक सो यस मुझे पैरेंथिस ओपन करने पड़ेंगे बिकॉज मिन आपको आ, मिन आपको बेसिकली पैर के साथ ओपन करके मतलब पैरेंथिस ओपन करके देने तो मिन आपको बेसिकली बता रहा है कि मिनिमम वैल्यू आपके पूरे मैट्रिक्स में क्या है बेसिकली जीरो है मिनिमम वैल्यू क्या है जीरो है ऐसे ही एक एग्जिस्ट करता है मैक्सिमम वैल्यू ठीक है तो यहीं पे मैं कॉपी करके इसी को कर दूंगा क्या मैक्स बेसिकली ठीक है सो जैसे मैं मैक्स रन करूंगा और इसी में मैक्स रन करता हूं मैं सो दिस विल गिव मी द मैक्सिमम वैल्यू कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसके अंदर सो मैक्सिमम वैल्यू व्हाट आई गॉट इज 255 मतलब बेसिकली मेरे इमेज में मैक्सिमम जो वैल्यू है एक पर्टिकुलर पिक्सल की और उस पर्टिकुलर पिक्सल की भी नहीं मैं कहूंगा एक्चुअली मैं पूरे मैट्रिक्स में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मुझे फेच करके दे दे रहा है और मिनिमम वैल्यू तो जीरो मिनिमम है जीरो से नीचे कहीं नहीं जा सकता 255 मैक्सिमम 255 से ऊपर कहीं नहीं जा सकता तो 255 से ऊपर कभी मैक्स वैल्यू आपको दिखेगी नहीं जीरो से कम आपको कभी मिनिमम वैल्यू मिलेगी नहीं बट हो सकता है किसी एक इमेज में सिर्फ आपके ब्लैक इमेज एग्जिस्ट करते ठीक है मतलब सिर्फ ब्लैक ब्लैक इमेज है इन केस सपोज तो उस सिचुएशन में क्या होगा या प्योर वाइट इमेज है तो उस सिचुएशन में क्या होगा तो वो ज़रा दिखाते हैं तो उसके लिए मुझे एक ब्लैक इमेज लेके आनी पड़ेगी तो मैं एक ब्लैक इमेज फटाफट सर्च करके लेके आता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ ठीक है तो यार मैं आप लोग ले आया हूँ इमेज देखो ब्लैक ओके दिस वैल इज नॉट लेट लेटस रीड इट रीड हो पा रही नहीं हो पा रही ठीक है डिस्प्ले नहीं हो रही बट लेटस रीड इट रीड हो रही नहीं हो रही सो so, इसी को करता हूँ कॉपी फिलहाल में है ना इसको डुप्लीकेट कर दिया मैंने बस यहाँ पे इमेज स्मॉल की जगह मैंने डाल दिया बल्कि फॉर्मेट भी चेंज करना पड़ेगा हमें सो दिस इज बेसिकली वर्ट दिस इज बी एल ए सी के और यहाँ पे हमें प्रॉब्लम आ जाएगी तो डबल बैक स्लैश डालते हैं डॉट जे फिफ है ना जे फिफ Let us रीड इट कि रीड हो रही नहीं हो रही ओपन ऊपर से ठीक है Let us read रीड इट सो इफ इफ यू ऑब्जर्व will गेट द मैक्सिमम वैल्यू विच इज एवन ओनली ठीक है तो मैक्सिमम वैल्यू आपको क्या देखने को मिल रही 11. मतलब देखो, इस में है तो मैक्सिमम वैल्यू इस ब्लैक इमेज में पूरे में मैक्सिमम वैल्यू क्या देखने को मिल रही है आपको इलेवन देखने को मिल रही है मतलब कुछ 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 शेड्स यूज करे गए हैं आपके ग्रे मतलब व्हाइट की तरफ भी बट दैट इज बेसिकली इलेवन ठीक है और मिनिमम में अगर मैं इसी चीज को सर्च करूंगा इसी को मैं मिनिमम में सर्च करूंगा तो इसी को अगर मैं मिनिमम में सर्च करूंगा वट आई गेट इज बेसिकली वट वट आई गेट इज द जीरो वैल्यू तो वो तो जीरो होती है मिनिमम ठीक है सो दिस इज दिस इज बेसिकली द जीरो पार्ट ठीक है अच्छा इसी वाले मैक्स और मिन में बेसिकली इसी मैक्स और मिन में आप डायमेंशन भी स्पेसिफाई कर सकते हो है ना इवन मैं प्योर वाइट के लिए भी चीज चेक कर सकता हूँ प्योर ब्लैक के लिए आप चेक करोगे तो आपको समझ में आएगा बेसिकली आगे बनाएंगे तो ये चीज दिखाएंगे भी आगे ठीक है सो दिस इज द सिचुएशन दिचुएशन इसके अलावा आप इसी पर्टिकुलर मिन वाले मिन पार्ट में ही आप इसमें एक्सेस भी स्पेसिफाई कर सकते हो किस एक्सेस के अलॉन्ग आपको बेसिकली करना है जिससे अगर मैं इसको डिलीट करूं और आपको दिखाऊं यहां पे तो यहां पे आपको एक्सेस दिखेगा कि एक्सेस क्या है और भी बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं बट वो भी फिलहाल हमें काम के नहीं है एक्सेस में देखते हैं कि एक्सेस क्या है एक्सेस मतलब बेसिकली किसके अलांग मतलब आप लेंथ के विड्थ के अलांग मिनिमम ढूंढ रहे हो आप हाइट के लॉन्ग मिनिमम ढूंढ रहे हो या फिर चैनल्स के अंग मिनिमम ढूंढ रहे हो तो वो आप चीज डाल सकते हो जीरो डालू तो जीरो तो सपोज मैं जीरो के अबाउटम निकालू मिनिमम तो क्या है के मुझे ये मिल मतलब उस अब मुझे पता है अभी आपको समझ में नहीं आएगा बिकॉज समझाऊंगा तो ये बेटर समझ में आएगा तो इसके बारे में तो जब मैट्रिक्स समझेंगे, तो समझेंगे, तो इसको समझेंगे. तो मुझे बता रहा है कि मिनिमम मैट्रिक्स कौन सी है ठीक है अच्छा, इसी में मैं क्या कर सकता हूं मैं इसी में वन डाल सकता हूं बेसिकली ठीक है तो अगर मैं सपोज यहां पे वन डाल दूँ सो आई गेट वट आई गेट अलॉन्ग द बेसिकली तो के मिनिमम मिल गया मुझे ठीक है और इसी में अच्छा इसी को मैं बल्कि अनकमेंट uh, करके ये भी दिखाऊंगा कि दीज आर नॉट द सेम थिंग है ना और इसमें मैं क्या कर देता हूँ प्रिंट कर देता हूँ बेसिकली एक सेपरेटर लाइन ठीक है तो मी शो यू दैट तो बेसिकली देखो ये जीरो फाइव जीरो 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 जीरो, जीरो थ्री जीरो जीरो टू जीरो, जीरो वाला पार्ट है ना? So और इसी में मैं टू रन करता हूं एक बार जरा है ना तो इसको कॉपी करेंगे और इसी को अगर मैं टू डाल दूं देन व्हाट विल हैपन सो so के अलॉन्ग मिनिमम मुझे चैनल के अक्रॉस दे दे दिया इसने मिनिमम कि चैनल के अक्रॉस लेंथ ब्रेथ में क्या मिनिमम है तो लेंथ ब्रेथ कंसिडर करते हुए मिनिमम इसने मुझे दे दिया है इस तरीके से इसने मुझे पूरा एक चैनल दिया है ठीक है सो आई ऑप यू गॉट द पॉइंट और यही सेम चीज़ आप मैक्स में भी रन कर सकते हो मैक्स में भी आपको सेम कहानी मिल जाएगी देखने को तो यही सेम चीज़ आप मैक्स में भी रन कर सकते हो बस आपको यहाँ पे मैक्स डालना है दैट सेट ठीक है मल्टीकल से बना के मैं उसमें मैक्स डाल दूंगा फटाफट सो दिस वुड बी मैक्स ओनली और जैसे मैं इसको रन करूँगा वट आई गेट एज बेसिकली द थ्री डायमेंशन तो मैक्सिमम वैल्यू मिल गई मुझे अलॉन्ग अलग डिफरेंट एक्सेस डिफरेंट एक्सेस तब समझ में आएगी जब आप मैट्रिक्स प्रॉपर्ली समझ पाओगे जो हम आगे आने वाले वीडियोस में लाने वाले हैं इसमें मैट्रिक्स के ऊपर ही डिटेल में डिस्कशन करेंगे चलो मेन समझ में आ गया मैक्स समझ में आ गया अब इसका नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट एक होता है बेसिकली आपके पास डी टाइप है ना डी टाइप चेक करने के लिए तो डेटा टाइप क्या है बेसिकली वो चेक करने के लिए जैसे कि आप अनसाइंड इंट 8 हो सकता है 16 हो सकता है 32 यूज़ कर सकते हो तो वो क्या है वो चीज चेक कर सकते हो तो बेसिकली अगर सपोज मैं इसको कॉपी करूं और यहां पे पेस्ट कर दूं तो मैं चेक कर सकता हूं प्रिंट क्या कर सकता हूं मैं आपकी आई का आई डॉट टाइप चेक नहीं कर रहा हूं वो तो एनडीआरए है इसमें डेटा किस टाइप का है सो डी टाइप में डाल दूंगा तो डी टाइप से मुझे डेटा टाइप मिल जाएगा कि डेटा टाइप क्या है इसका तो बेसिकली जब मैं इसको रन करूंगा वाट एल गेट इज बेसिकली यू इंट एंटेट तो यू इंट एंटेड मैंने बनाने के लिए भी यूज किया है ना तो बाय डिफॉल्ट जो यूज होता है यहां ही होता है थर्टी टू से बनाऊंगा थर्टी टू आ जाता जाएगा तो वो आप कर सकते हो तो डेटा टाइप आप चेक कर सकते हो ठीक है कि हर सिचुएशन में डेटा टाइप क्या क्या है बेसिकली ठीक है तो बेसिकली अगर आपकी रेंज जीरो से लेकर टू फिफ्टी फाइव तक है सो दैट विल लीड टू बेसिकली डेटा टाइप यू एंट ओनली यू एंट एट ओनली ठीक है चलो आगे बढ़ेंगे सो so नेक्स्ट एक मेरे पास एग्जिस्ट करता है डेटा बेसिकली है ना एक डेटा भी एग्जिस्ट करता है तो डेटा बेसिकली मुझे क्या बताता है मेमोरी लोकेशन बताता है तो फर्स्ट इसका सबसे पहले जो है बेसिकली जो भी आपने बनाया उसको जो सबसे पहले पॉइंटिंग है बेसिकली तो सी वी टू डॉट क्या कर ले आई एम रीड है ना आई एम रीड बेसिकली सी ठीक है और यहाँ मैं बेसिकली इसे कॉपी कर लेता हूँ यार है ना पेस्ट कर दिया एंड प्रिंट कर देंगे हम क्या बेसिकली प्रिंट कर देंगे हम आई एम जी टॉट डेटा बेसिकली तो डेटा क्या करेगा यार सबसे पहले वाले एलिमेंट को पॉइंट करेगा सो वन आई रीड इट वट आई गेट इज बेसिकली द मेमरी लोकेशन मतलब बेसिकली ये जो इमेज है ये जो इमेज मैट्रिक्स है ये कहाँ पे लोकेटेड है तो ये इस मेमरी लोकेशन पे लोकेटेड है ये चीज मैं चेक कर सकता हूँ डेटा की मदद से बेसिकली तो डेटा मुझे बताता है कि किस मेमरी लोकेशन पे अवेलेबल है कहाँ नहीं इसके बाद मेरे पास एक एग्जिस्ट करता है यार एन डिम करके है ना जो होता है डायमेंशन चेक करने के लिए कितने डायमेंशन का है बेसिकली तो जैसे सपोज मैं आई एम जी इज इक्वल्स टू सी वी टू डॉट वही आई एम रीड करता हूँ बेसिकली है ना और ये अपन कॉपी कर लेंगे एज इट इज मैंने कॉपी कर दिया और इसके बाद मैंने प्रिंट किया बेसिकली क्या प्रिंट किया मैंने आपका आई एम जी डॉट IMG अब IMG क्या है ये आई हैली आई एम जी एंड एन प्रिंट कर रहा हूं बेसिकली सो बेसिकली क्या हो जाएगा आपका थ्री हो जाएगा ठीक है तो अगर आप बेसिकली अभी देखो आई एम रीड जो मैंने जीरो उसमें किया मतलब वन में किया कलर्ड इमेज में किया तो बेसिकली इसके अंदर कितने डायमेंशन थे इसमें हाइट थी विर्थ थी और चैनल थे बेसिकली तीन डायमेंशन थे तो यहां पे मुझे थ्री मिल गया थ्री डायमेंशन है इसके अंदर इमेज में ठीक है लेंथ सॉरी हाइट विर्थ एंड चैनल्स इसी में अगर ओपन में इसको करूँ बेसिकली वन पार्ट में है ना मतलब मैं इसी को जीरो में ओपन करूँ मतलब ग्रे स्केल में ओपन करूँ तो कितने मिलेंगे दो डायमेंशन मिलेंगे जस्ट सी देर आर टू डायमेंशन सिर्फ विर्थ एंड हाइट है बेसिकली यहां पर एग्जिस्ट क्या नहीं करता आपका चांस एग्जिस्ट नहीं करता ठीक है अगर मैं इसी को अल्फा पार्टिकल से सर्च करूँ मतलब अल्फा से सर्च करूँ अल्फा वाले कॉम्पोनेंट से माइनस वन वाले से ठीक है तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा इसमें भी आपको तीन ही देखने को मिलेगा बिकॉज थ्री डायमेंशन इज़ हाइट विद एंड बेसिकली द चैनल्स ठीक है उसमें चैनल एक बढ़ जाता है बट होता तो वही है ना तीन ही है तो so, बेसिकली ये कहानी हो गई तो आपको यहाँ पे डायमेंशन पता चल जाएंगे ठीक है अब इस तरीके से आप अलग अलग प्रॉपर्टीज फेच कर सकते हो ठीक है सो मैं मेरी तरफ से आपको मुझे यही प्रॉपर्टीज गिनवानी थी तो जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज बता दी कि किस तरीके से आप फेच कर सकते हो अब बेसिकली आप आपको और प्रॉपर्टीज फेच करनी है तो देखो पता है क्या करो आप जाओ बेसिकली ब्राउजर पे ठीक है किसी ब्राउजर पे जाओ और यहां पे आप सर्च कर लो बेसिकली वॉट आप यहां पे सर्च कर लो बेसिकली आ, नम्पाई नम्पाई बेसिकली नमपाई है ना नमपाई का क्या सर्च करोगे आप तो नम पाई एट्रीब्यूट सर्च कर लो एट्रीब्यूट है ना और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट सर्च करना ऑफिशियल डॉक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट सर्च कर लेना ठीक है यहां पे क्लिक करो सो यू विल गेट द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है ना एनडीआरए का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मिल जाएगा आपको बेसिकली यहां पे ठीक अब ये चेंज होता रहता है है ना बिल्कुल चेंज होता रहता है इसमें आप एन डायमेंशनल एरे पे क्लिक करोगे सो यूल ओपन द एन डायमेंशनल एरे इसको बंद कर लेना एंड ओके okay, नहीं इसको बंद मत करना एक्चुअली इसी में आपको नीचे देखने को मिलेगा बेसिकली एन डायमेंशनल एरे के अंदर ही नीचे देखने को मिलेगा देखो फ्लैग शेप स्ट्राइड्स एंड डेटा साइज आइटम साइज ठीक है एन बाइट्स बेस डी टाइप तो ये सब आप चेक कर सकते हो ये सब एट्रीब्यूट है इसके बाद यहाँ से ट्रांसपोज से फंक्शन शुरू हो जाएगा ये फंक्शन है ट्रांसपोज है ना ट्रांसपोज करके भी एग्जिस्ट करता है टी भी एग्जिस्ट करता है ये भी ट्रांसपोज करता है बेसिकली एटलीस्ट वन डी एटलीस्ट टू डी थ्री डी ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट तो ये सब आप चेक कर सकते हो ये सब एप्लीकेबल है बिकॉज जो आपके पास रिटर्न हो क्या है दैट इज़ एन डी आर एनली तो इस तरीके से आप ऑनलाइन सर्च करके सर्च कर सकते हो कहानी बट जितनी आपको जरूरत पड़ेगी जितनी आपको आनी चाहिए उतनी मैंने प्रॉपर्टीज आपको कैसे इमेज की फेच करनी है वो बता दी है एंड दिस वुड बी आई थिंक सो मोर देन क्योंकि इससे ज्यादा आपको जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी तो हम आगे आने वाले वीडियो में उसको देखते रहेंगे अगर हमें जरूरत पड़ी ऑल दो तो इससे आपको जरूरत पड़ेगी नहीं बेसिकली आपको क्या करना है आपको एक इमेज के डायमेंशन चेक करने हैं कि, कि कितने कितने डायमेंशन है विद्ध क्या है हाइट क्या है तो आप चेक कर सकते हो शेप से बेसिकली आपको चेक करना है कितने पिक्सल्स है साइज से पिक्सल चेक कर सकते हो ठीक है पिक्सल की मिनिमम वैल्यू क्या है मिन से चेक कर सकते हो पिक्सल की मैक्सिमम वैल्यू क्या है मैक्स से चेक कर सकते हो मैक्स मिशन मैंने क्या नहीं दिया बहुत ज़्यादा मैक्स से आप मैक्सिमम मैक्सिमम पिक्सल चेक कर सकते हो, वैल्यू क्या है, है ना? तो जो आप वैल्यू डाल रहे हो वो मैक्सिमम वैल्यू क्या डाली है? है? ठीक किसी भी चैनल के, नहीं के तो उसने क्या किया? उसने सारी वैल्यूज अरेंज कर दी फ्लैटिंग तरीके मिनिमम वैल्यू रिटर्न कर दिया बाकी डेटा टाइप चेक कर सकते हो कि बेसिकली जो मेमोरी में इमेज स्टोर है तो वो वैल्यूज किस डेटा टाइप पे बेस्ड है वो डी टाइप चेक कर सकते हो आप एड्रेस चेक कर सकते हो कहां पर है आप डायमेंशन चेक कर सकते हो तो यह मैक्समम चीजें जो आपको जरूरत पड़ेगी इसके अलावा और ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं तो मैंने आपको बल्कि असेंडिंग ऑर्डर में भी मैक्सिमम किसकी यूज़ पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको अेंज करके दे भी दिया ठीक है सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर है ना तो ये एक्सेसिंग प्रॉपर्टीज वाला पार्ट आपको क्लियर हो चुका होगा कि किस तरीके से प्रॉपर्टीज फेच कर सकते हो है ना तो प्रॉपर्टीज फैच करना आपको समझ में आ गया होगा सो दिस टेक्निक जिस तरीके से आप प्रॉपर्टीज फेच कर सकते हो एक इमेज की अब इसके आगे हम नेक्स्ट क्या करेंगे इसके आगे नेक्स्ट हम बेसिकली उस मैट्रिक्स को डिटेल में समझेंगे कि बेसिकली वो जो मैट्रिक्स हमारे पास रिटर्न होता है वो मैट्रिक्स क्या है किस तरीके से काम करता है तो वो मैट्रिक्स के ऊपर पूरी कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे ठीक है तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिएगा बट फॉर नो पहले इस वीडियो को खत्म करते हैं चलते हैं अपनी स्लाइड्स पर और वीडियो करते हैं कंप्लीट ठीक है चलिए ओके गाइस सो आई होप आपको ये जो बेसिकली इमेज प्रॉपर्टीज है समझ में आ गया होगा कि व्हाट आर दोज इमेज प्रॉपर्टीज कैसे फेच कर सकते हैं क्या तरीका है सब कुछ आई होप आपको समझ में आ गया होगा

एजुकेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ इंडिया इन टॉप कोर्सेज ऑफ दीज टॉपी इंग्लिश मीडियम एन टी एलिया स्पोकन इंग्लिश सीबीएसई हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड बिहार बोर्ड ये हमारे टॉप कोर्सेज हैं जो आपको मिल जाएंगे भाई हमारे इन तीन प्लेटफॉर्म पर इज सबसे पहले भाई हमारे यूट्यूब चैनल मैग्नेट गो एंड सब्सक्राइब दट फिर हमारा ऐप जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं फिर हमारी वेबसाइट जो आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो एड्रेस बार में सर्च फॉर डब्लू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट मॉग्न ब्रेन डॉट कॉम अब इन तीनों ही प्लेटफॉर्म्स आपको 100 परसेंट फ्री वॉचिंग मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट सारा कंटेंट अवेलेबल है कोई आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा ठीक है सारा कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है और इन तीनों ही प्लेटफॉर्म्स पे कंप्लीट कोर्सेट अवेलेबल है डेमो नहीं दे रहे हम कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं आपको ठीक है बाकी बुक्स एंड ई बुक्स मैग्रेट्स के लिए आपको बता ही चुका हूं कि मैग्रेट बेस ने फाइनली बुक्स एंड ई बुक्स लॉन्च कर दी है जिनसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए चेक करिए इसके अलावा हमारे नोट्स भी अवेलेबल हैं तो जो भी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं वो सब नोट्स के फॉर्म में भी अवेलेबल है ताकि कोई भी आप सपोज रिविजन करने बैठे तो आपके पास नोट्स अवेलेबल हो तो अगर आपको वो भी चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ वो भी आप चेक कर सकते हो बाकी जस्ट स्टेट यून सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर टेलीग्राम हर जगह भाई हम लोग सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विद एस एवरी वे ताकि कोई भी नया कोर्स है कोई भी नई वीडियो है तो तुरंत आपको पता चल जाए ठीक है और गई अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है कंटेंट पसंद आ रहा है वीडियोज अच्छी लग रही है प्ले पसंद आ रही है अगर आपको लगता है कि आप हर रोज उनसे कुछ नया सीख रहे हैं अगर आपको लगता है कि आपको आपके एग्जाम से हेल्प हो रही है हमारी वजह से सो हमारे साथ यानी कि मैडम बेस साथ जुड़े रही है बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडर गार्डन से क्लास ट्वेल्ल तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हर कोर्स हम आपके साथ हैं सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे इस तरीके से बने रहेंगे राइट मैं समझता हूँ नेक्स्ट वीडियो में टिल देन गुड बाय थैंक यू वेरी मच